भाई आज का मैच तो किसी भी सस्पेंस स्टोरी को हरा देगा। एनी सस्पेंस स्टोरी विल लूज अगेंस्ट दिस मैच। ये मैच के अप्स एंड डाउन्स इतने ज्यादा थे कि एक समय तक तो लग रहा था कि कौन जीतेगा ये भी पता नहीं। एंड भाई पूरा मैच एक सिनेमा की तरह था। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम समवन लाइक जॉन अब्राहम द ओनर हैज कम टू सी द शो। टीम अच्छा खेल नहीं रही थी बट सब कुछ छोड़ के सेकेंड हाफ में टीम का डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, उसके ऊपर बिग ब्रिलियंट ब्रिलियंट रिजल्ट। और भाई मैं सच कहूं मेरा गला बैठा हुआ है, मुझे बुखार आया है, मैं आज का शो नहीं करूंगा सोच रहा था, बट सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूं। सो अगर मेरे वॉइस की कोई प्रॉब्लम हो या अगर मुझे देख के अच्छा ना लग रहा हो तो यही समझ लेना कि मेरा बुखार चल रहा है। मैं फिर भी आया हूं सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए वीडियो करने के लिए। सो गाइज प्लीज कॉम्प्लाई विथ मी। Hopefully, आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। We will not waste any time. We will straight move on to the talking points. Talking point number 5, Northeast की great, great midfield. भाई बहुत लोग इस मैच को ये मिस कर रहे थे कि Northeast की midfield कितनी अच्छी थी। सेकेंड हाफ में लोग स्कोर को देख रहे थे, मैं Northeast के गेम को देख रहा था। मतलब सेकेंड हाफ के 45 मिनट में Northeast ने झिंझोर के रख दिया है जमशेदपुर के टीम को। और पूरा क्रेडिट रोमेन फिलिपेटाउ, मोहम्मद अली मेमममेर और सबसे बड़ी बात गनी निगम के ऊपर। गनी निगम को खिलाने की बात बहुत दिनों से हो रही थी, आज उनको फाइनली गेम टाइम मिला। बंदे ने प्रूफ कर दिया, 75 मिनट्स तक खेला। यस ही वाज नॉट देयर, बाद में रिप्लेस हो गया था, बट जितने टाइम तक था ही परफॉर्म ब्रिलियंटली ब्रिलियंटली। रोमेन फिलिपेटाउ, मोहम्मद अली मेमममेर, ऑल ऑफ देम वर्क्ड सो सो गुड, सो गुड। और देखो भाई वो मिडफील्ड में आके टीम को एक स्टेबिलिटी दे रहे थे विच हेल्प द टीम। और फाइनली फाल्गुनी सिंह को भी थोड़ा बहुत रेस्ट मिला आफ्टर प्लेइंग फॉर सो मेनी गेम्स। एंड फाल्गुनी आने के बाद ही प्लेड अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल फॉर द टीम। सो अब चाहते हैं तो नेक्स्ट टॉकिंग पॉइंट, टॉकिंग पॉइंट नंबर 4। टॉकिंग पॉइंट नंबर 4 में थोड़ा बात जमशेदपुर के बारे में करूंगा। यस अगर मैं जमशेदपुर हूँ, यस आई विल फील वेरी बैड, बट देर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव एज वेल। पिछले साल की जमशेदपुर अगर होती सेकेंड हाफ में वो टूट जाती, बट यस लास्ट 9 मिनट्स को छोड़ के इट वॉज अ डिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम जमशेदपुर। अटैकिंग वाइज दे ट्राइड देयर बेस्ट, मिडफील्ड चला नहीं, ताचिकावा आज चला नहीं, स्टेवानोविच ट्राइड हिज बेस्ट, डिडंट वर्क वेल, नॉट मच टू थिंक अबाउट देम। आज के दिन को टेक इट एज अ बैड डे एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट मंथ। सो मूविंग ऑन टू नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ सी, फिर से नॉर्थ ईस्ट के बारे में ही बात करेंगे। टॉकिंग पॉइंट नंबर 3 में नॉर्थ ईस्ट के बारे में चले जाते हैं, बिकॉज आज नॉर्थ ईस्ट फैन डिजर्व करते हैं टू बी हियर एंड लिसन टू द टीम। आज सबसे अच्छा चीज जो अगर आप देखोगे, द टैक्टिक्स ऑफ जुआन पेड्रो बनाली इन द सेकेंड हाफ। पहले आप में सच बात करूं, नॉर्थ ईस्ट वर गेटिंग डोमिनेटेड, ये अटैक कर रहे थे, बट अगेन जमशेदपुर वर द बेटर साइड। सेकेंड हाफ में 3 सब्स्टिट्यूशन, रिदिम तिलांग, हीरा मंडल, कौनसम फाल्गुनी सिंह, स्टोरी चेंज कर दिया। तो स्टोरी चेंज, रोमन फिलिपेटाउ को सेट पीस का ड्यूटी देना। रोमेन फिलिपेटाउ बॉक्स के अंदर तबाही मचा रहा था, एक के बाद एक गाइडेड मिसाइल्स की तरह सेट पीसेस जा रही थी। यस द टीम वाज मिसिंग देम, बट उन्होंने एक काम कर पाया, जमशेदपुर को ठेल दिया बॉक्स के अंदर, दे पुश जमशेदपुर इन द बॉक्स। सो ये एक बहुत बड़ी बात थी। सो उसके बाद हीरा मुंडोल का सब्स्टिट्यूशन भी काम में आया, क्योंकि हीरा मुंडोल के आने के बाद यू सिंह, देखो भाई बेसिकली उन्होंने रिप्लेस किसको किया, उन्होंने रिप्लेस किया था दिनेश सिंह को, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हीरा मुंडोल आने के बाद जबाको को वो लोग पुश कर पाए टू, भाई जबाको आप जाओ फॉरवर्ड के पोजीशन में खेलो, गो एंड आउट देयर एंड प्ले लाइक अ फॉरवर्ड। सो ये एक बहुत बड़ा टैक्टिकल एनालिसिस था, बहुत बड़ा टैक्टिकल इशू था। सो अनदर ग्रेट ग्रेट थिंग डन बाय द कोच जुआन पेड्रो बनाली, उनको क्रेडिट दो भाई, उनको पूरा क्रेडिट दो। आफ्टर दैट कमिंग टू टॉकिंग पॉइंट नंबर 2, ये मैं एक प्लेयर के बारे में बात करूंगा। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, हर एक का आंसर होगा। भाई मैं फिर से बोल देता हूं, मेरा गला बैठा हुआ है, मुझे बुखार आया है, बेसिकली वीडियो बहुत बहुत मुश्किल से कर रहा हूं, वॉइस भी थोड़ा कम है, सिर्फ आप लोगों के लिए, जस्ट सो दैट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस को आज का वीडियो मिले। सो थोड़ा मेरे साथ आज थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट हियर भाई। तो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, दैट इज मिचेल जबाको। मिचेल जबाको के बारे में यहां पे बात कर रहा हूं भाई, ये बंदा भाई इस बंदे ये राइट नाउ ना, मिचेल जबाको को मैंने टीम ऑफ द वीक में पिछले हफ्ते नहीं रखा था, बहुत लोगों ने बोला भी था, भाई मिचेल जबाको को मुझे पिछले हफ्ते रखने की जरूरत नहीं है। ये बंदा 20 वीक होगा तो 6 या 7 वीक इस टीम में होगा,
टीम ऑफ द वीक में होगा। ये कुछ अलग ही बंदा है भाई। फाइनली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को एक लीडर मिला, एक डिफेंसिव हेड मिला, टीम के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर में से एक है मिचेल ज़ाबाको। और सिर्फ डिफेंस वाइज नहीं, टीम जब प्रॉब्लम में पड़ती है, इट्स मिचेल ज़ाबाको जो आखिर टीम को निकालते हैं। ही स्कोरिंग गोल्स, ही इज लीडिंग द टीम, लीडिंग द डिफेंस। जमशेदपुर में पहले हाफ में जमशेदपुर बहुत अच्छा खेल रही थी, ज़ाबाको देख रहा था एंड ज़ाबाको ने टीम को यही समझाया। आई वॉज सीइंग हिज मूवमेंट्स, मेरे मेरे बुखार वाले आंखों से भी मैं देख रहा था कि ही वॉज कॉन्स्टेंटली सेइंग द प्लेयर्स कि भाई जस्ट लेट्स जस्ट राइड आउट इस प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं, वी विल गेट आवर टाइम। एब्सोल्युटली। और जब हीरा मुंडो लाया, ही न्यू दैट इट्स हिज टाइम टू गो अप फ्रंट। ही इज अ स्पेनिश प्लेयर, ही नोज हाउ टू प्ले गुड इन फ्रंट। सो वही काम उन्होंने किया। मिचेल ज़ाबाको जितना तारीफ करूं उतना कम है। डिफेंसिवली पहले जब टीम प्रेशर में थी, ही गॉट देयर, ही गेव हिज बेस्ट। उसके बाद वेन ऑफेंसिवली वो मूव कर रहे थे, ही डिड हिज जॉब ब्रिलियंटली। और भाई मिचेल ज़ाबाको थे इसलिए पहला गोल हुआ। कोई भी डिफेंडर समझ सकता है कि वहां पे ये गोल हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ फॉरवर्ड्स को देखो, डिफेंडर्स को दिमाग होता है विच बॉल इज टफ फॉर द डिफेंडर। वो जाके वही पोजीशन में खड़ा हुआ जहां पे बॉल आ सकता था एंड ही स्कोर्ड विद वेरी काम माइंड। बहुत अच्छे स्ट्राइकर्स ये गोल नहीं कर पाएंगे, ही डिड इट। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट गाय। और टॉकिंग पॉइंट नंबर वन में आऊंगा, लॉट ऑफ कमेंट्स आर देयर, मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। आई विल कम टू ईच एंड एवरी कमेंट्स। बीएफई थैंक यू भाई, बिग फैन भाई। लास्ट एनएफसी विद लीस्ट नंबर ऑफ विंस भाई, मैं बोलते थक गया था, इस साल नॉर्थ ईस्ट कमबैक करेगी और कर रही है। टॉकिंग पॉइंट नंबर वन में उसका बात करूंगा, नोबडी विल लीव भाई। बहुत बहुत मुश्किल से आया हूं, सिर्फ एक ही चीज बोल रहा हूं, जस्ट स्टे विद मी फॉर द टॉकिंग पॉइंट नंबर वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्या कर सकते हो भाई, बुखार हुआ है, आई कांट डू एनीथिंग। सो एनएफसी एज ए एनएफसी फैन करंटली आई एम आउट ऑफ द मून ना, होना चाहिए। दिस इज व्हाट अ मैच भाई, व्हाट अ कमबैक। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट फैन होता तो आज पागल हो जाता खुशी से। इट्स सच अ मैच भाई, सच अ गुड मैच। आर्यन कमबैक स्ट्रॉन्गर, एब्सोल्युटली। दिस मैच रिमाइंडेड मी 2018 सीजन वेयर मासियास स्कोर द बूट जोलोकिया शॉट ऑन गोल। और भाई आज के मैच में हर एक प्लेयर ने अपने आप से बढ़कर जाके खेला हर पोजिशन में। 80 मिनट लग गए पहले शॉट ऑन टारगेट लेने में, बट पूरे मैच में टन्स ऑफ थिंग्स किया जो लोग मिस कर रहे थे। There were tons of things, tons of positives जिसको आप look forward कर सकते हो भाई। सर आपने मैच क्यों नहीं देखा? भाई मुझे बुखार हुआ है बेसिकली। सो मैं फिर भी आया हूँ सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से। मैं जानता हूँ नॉर्थ ईस्ट फैंस कितना प्यार करते हैं हमारे शो को, इसीलिए आया हूँ। आई एम लिटरली, मुझे अपने गले के ऊपर फोर्स करना पड़ रहा है टू जस्ट टॉक, मुझे इतना वहां पे पेन हो रहा है। बट अगेन आई विल डू दिस शो जस्ट फॉर यू गाइस भाई। ज़ाबाको भाई मैं तो सोने जा रहा हूँ, तुम्हारा वीडियो कल देखूंगा ग्रुप एकदम भाई, एकदम कल देखना, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे कमेंट्स है भाई, दोनों ही गोल में इप्सन मेलो कंट्रीब्यूशन था। फाइनली ही अराइव्ड भाई, फाइनली ही अराइव्ड। बहुत लोग बोल रहे थे कब आएगा, यस इप्सन मेलो हैज अराइव्ड। दिस इज व्हाट इप्सन मेलो मींस, लेट ड्रामा। और भाई यही रेफरेंस है, यही मैं बात करूंगा भाई। शुभ विजया, होप यू वेल, व्हाट इज द इंटरिम हेड कोच भाई, जेएफसी यूज दैट नेम। सबके बारे में और बात करूंगा, लेट्स टॉक अबाउट इट टुमारो। आज थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का कवर कर लू, आई विल टॉक अबाउट इट। कल आगे क्वेश्चन करना, आई विल गिव योर आंसर और इतना, नो डाउट। व्हाट अ सपोर्ट, एब्सोल्युटली भाई, एब्सोल्युटली। ग्रेट मैच। और बहुत सारे फैंस आए थे, कांग्रेचुलेशन टू नॉर्थ ईस्ट फैंस को गोइंग टू द स्टेडियम भाई, यू पीपल डिजर्व इट भाई। हाँ आज रियल मैड्रिड वाइब्स था भाई, रियल मैड्रिड वाइब्स था, प्रॉपर रियल मैड्रिड वाइब्स था। अभिजीत भाई, फुटबॉल कैन बी सो क्रूएल समटाइम्स, यस आई एम फीलिंग बैड फॉर जमशेदपुर एज वेल। बट मैं अगर उनका फैन होता, अगर थोड़ा एंग्री भी हो जाता, मैं उनको यही बोलता कि टीम फाइनली इज परफॉर्मिंग वेल, और नॉर्थ ईस्ट जैसे टीम के अगेंस्ट भी देवर गिविंग देयर एवरीथिंग। सो यस, एंड माय टीम कुडंट डू बेटर देन दिस विद सो मेनी इंजरीज एंड टू मैचेस। एब्सोल्युटली, योर टीम विल डू वेल, जमशेदपुर विल डू वेल, एज आई एम सेइंग एवरी डे भाई। व्हाट अबाउट जमशेदपुर उज्जवल, लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट जमशेदपुर, बट आज थोड़ा नॉर्थ ईस्ट को कवर कर लू। वी विल डू अ वीडियो ऑन जमशेदपुर एज वेल, वी विल टॉक अबाउट इट भाई। एनएफसी बैक इन द बिजनेस, एब्सोल्युटली। चलो भाई, टॉकिंग पॉइंट नंबर वन, जिसके लिए मैं आप लोगों को इतने टाइम से बैठा के रखा हूँ एंड अपने गला फाड़ रहा हूँ, इवन इन दिस बैड सिचुएशन जहाँ पे बात बोलना भी मेरे लिए मुश्किल है भाई। सबसे बड़ी बात है नॉर्थ ईस्ट की मेंटेलिटी जो चली गई थी, जो लोग देख रहे हो वीडियो, आप लोग जानते हो नॉर्थ ईस्ट की मेंटेलिटी चली गई थी पिछले दो सीजन में। दे वर नॉट लुकिंग लाइक द साइड दे वर वंस। नॉर्थ ईस्ट इस साल सबसे बड़ी जो चीज है जो उन्होंने किया था भाई, वो है नॉर्थ ईस्ट ने वो मेंटेलिटी लौट के आए हैं एंड टोटल क्रेडिट जुआन पेड्रो बना ली। अगर ये पिछले साल की या उसके पहले साल की नॉर्थ ईस्ट होती, ये मैच वो हार जाती, बट इस साल का टीम नहीं।
मैंने पहले ही बोल रहा था इस टीम के पास इनफ एक्सपीरियंस है, जब आपको है बिमम में रहे रोमन फिलिपेटाउ है, और इस टीम के पास और एक चीज है भाई, और एक चीज वो है यूथ प्लेयर्स, नेवर डाई मेंटेलिटी वाले प्लेयर्स, दे हैव पार्थिव गोगोई, दे हैव जितिन एमएस, आज अच्छा नहीं खेला बट अगेन दे हैव जितिन एमएस, दे हैव गनी निगम, दे हैव आशीर अख्तर, दे हैव कोंदम्बा, दे हैव दिनेश, मोस्ट ऑफ देम आर ओल्ड बट आईएसएल एक्सपीरियंस है, दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स. So, इस टीम के पास वो एक एडवांटेज है कि भाई हर एक प्लेयर अपने आप को प्रूव करना चाहता है. अ लॉट ऑफ देम आर वेरी एक्सपीरियंस जो जानते हैं कैसे मैच को निकालना है, अ लॉट ऑफ देम आर वेरी यंग हु वांट्स टू प्रूव देम. और भाई आज एक प्लेयर का परफॉर्मेंस सबके रडार की तरह से जाएगा भाई, पार्थिव गोगोई. कितना ज्यादा टाइम पार्थिव गोगोई का ऑफ द बॉल पोजिशन देखो, दोनों ही गोल्स में वेर ही वॉज स्टैंडिंग, वेर ही वॉज डूइंग, उनको मार्क कर रहे थे प्लेयर्स एंड एज अ रिजल्ट गोल हुआ. सो पार्थिव ऑल्सो डिजर्व्स करी. मोहम्मद अली बेमामेल टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर, बेमेर आके पूरे गेम को ओपोनेंट को बेक कर रहे थे. गनी निगम बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, रोमन फिलिपेटाउ विद द सेट पीसेस, पिछले साल में कोई क्लियर रोल्स नहीं थे, अप अंटिल विंसेंट जोने से आके वो रोल सेट कर रहे थे बट अगेन ही गॉन आउट. इस सीजन एक कोच को ले आया है जुआन पेड्रो बनाली जो काउंटर अटैकिंग सिस्टम खेलता है, बट सबसे बड़ी बात है आज काउंटर अटैकिंग ने आज पोजिशनल सिस्टम खेला, ही न्यू हाउ टू गेट रिजल्ट्स और यही रिजल्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को आगे ले जाएंगे. यस नॉर्थ ईस्ट इन द थर्ड पोजिशन राइट नाउ, थर्ड पोजिशन भाई. और सबसे बड़ी बात है वो जो पेनल्टी भी मिली ना उसका भी मैं बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्रेडिट रोमेन को दूंगा. जस्ट सी रोमेन्स बॉल जो वहां पे खेला. इस टीम के पास वो प्लेयर्स है, वो इंडिविजुअल टैलेंट्स है, सबसे बड़ी बात वो है इंडिविजुअल टैलेंट है प्लेयर्स के. वो जानते हैं कि भाई आई कैन गेट अ गोल फ्रॉम हियर, दिस इज अ पोजिशन आई कैन गेट अ गोल फ्रॉम, मैं जानता हूं यहां पे मुझे पास देना है. वो एबिलिटी, वो मास्टरी नॉर्थ ईस्ट में बहुत टाइम से लीडरशिप की है, करिज्मेटिक लीडरशिप एक अच्छे कोच की, एक यंग टैलेंटेड बेस की ये. और भाई एक जमशेदपुर, मैं जमशेदपुर फैंस को भी बोलूंगा अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट. आज मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा लंबा भी खींच सकता था बट माई वॉइस इज एब्सोल्युटली नॉट गिविंग मी एनी हेल्प, सो आई विल ट्राई टू डू अ वीडियो लेटर. बट फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैन भाई आप स्टेडियम भरा दो भाई, आपके लिए इट वॉज द वॉटर शेड मोमेंट, इसके दिस वॉज अ मेक और ब्रेक मोमेंट. इसके बाद सीजन will take a different shape, क्योंकि टीम के अंदर वो बिलीव आ जाएगा सिचुएशन जो भी हो we can win it सिचुएशन ज्यादा भी हो. सो भाई absolutely ये होगा. पार्थिव इज नॉट वेल प्लेइंग tonight भाई, यही चीज मैं कल भी बोल रहा था, पार्थिव प्लेड वेल कल, ये चीज कार्लोस मार्टिनेस को लेके बोल रहा था भाई. पूरे मैच में अगर सेकेंड हाफ में आप देखो पार्थिव को ओपोनेंट ने मार्क करके रखा हुआ था, मार्क करके, एंड पार्थिव जॉब वॉज डूइंग जस्ट वन थिंग, ओपोनेंट प्लेयर्स को खींच के डिफेंडर्स को खींच देना. एज अ रिजल्ट इप्सन को, जितिन एमएस को, गनी निगम जैसे प्लेयर्स को स्पेसेस मिले जहां से वो गोल कर सके. और जो बोल रहे हैं कि भाई पार्थिव गेम अच्छा नहीं था भाई, एक फॉरवर्ड के माफिक 61% पासिंग एक्यूरेसी, 60% सक्सेसफुल ड्रिबल रेट, 33% एक्यूरेट क्रॉसिंग, 100% टैकल्स वन, 4 डिफेंसिव एक्शन, 5 रिकवरीज एक लेफ्ट विंगर के माफिक. और जहां पे टीम प्रेशर में थी ही गॉन दैट भाई, 8 डुएल्स जीते बंदे ने, ही वॉज डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब. आज वो एक मॉडर्न विंगर की तरह खेल रहा था, रेदर देन इनसाइड फॉरवर्ड ही वॉज बेसिकली प्लेइंग एज अ ट्रेडिशनल विंगर, जिसका काम था इप्सन और जितिन एमएस, रोमन फिलिपेटाउ, गनी निगम, मोहम्मद अली बेमामेर के लिए स्पेस क्रिएट करना. पार्थिव गोगोई हर एक मैच में यही रोल उनको प्ले करना पड़ेगा, उनको ओपोनेंट के डिफेंडर्स को भुलाना पड़ेगा. लेट्स टेक देम, कार्लोस मार्टिनेज वो काम करते हैं एफसी गोवा के लिए, मोहन बागान के लिए वो काम करते हैं, हुगो बुमू टेक आउट द प्लेयर्स, उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं. डिमित्री पेत्रादोस गेट द स्पेस, जेसन कमिंग्स गेट द स्पेस, वहां पे जाओ यू हैव विक्टर रॉड्रिगेज गेटिंग द स्पेस. ये सिस्टम है भाई, सिस्टम में काम करना पड़ेगा ना हर एक प्लेयर को. इप्सन मेलो इज नॉट दैट गुड भाई, आप एक चीज समझो, डार्विन नूनेस भी जब लिवरपूल में पहले आया था वी वर ऑल सेइंग भाई ये बंदा कुछ काम नहीं कर, भाई गोल कितना हेल्प करता है प्लेयर को आप समझ सकते हो. इसके नेक्स्ट मैच में इप्सन का परफॉर्मेंस देखना, He needed that goal, भाई. He needed that goal. Elsinho is a beast, इसमें कोई doubt है नहीं. I promise you कि कल जो शाम का वीडियो आएगा मैं जमशेदपुर के बारे में बात करूंगा. I promise you guys, promise. क्योंकि मैं जानता हूँ जमशेदपुर के बहुत फैंस हैं. I promise you guys, कल आना. I will absolutely, भाई. भाई, take care, bro. हाँ भाई. Again, आप लोग वीडियो में आए, आप लोगों के लिए वीडियो कर पा रहा हूँ. This is the biggest thing, भाई. जुकाम हुआ है. I know. मैं जानता हूँ मेरा वॉइस भी थोड़ा फनी साउंड करेगा बट आई ओनली वॉन्टेड टू डू दिस शो टूडे. अगर और किसी अगर ये मुझे और किसी दिन होता ना मैं ये काम करता मैं आज स्किप कर देता शो. बट जस्ट फॉर द लव ऑफ यू गाइज, आप लोगों के लिए इतना ज्यादा
पेन लेके भी मैं शो कर रहा हूँ जस्ट फॉर यू गाइज भाई, जस्ट फॉर यू बिकॉज यू गाइज डिजर्व इट। इतने इतने ज्यादा के बाद किसी ने सोचा था एनयूसी कम बैक करेगी? यही मैं बोल रहा था, द चेंज इन मेंटेलिटी, टीम के पास वो मेंटेलिटी है कि वी विल गेट अ परफॉर्मेंस दैट हम इस मैच को जीत सकते हैं। पिछले साल नहीं थी भाई, नहीं थी ये मेंटेलिटी। आप लोग जो देखते हो मैं क्या बोलो समझ पा सकते हो, शोल्डर्स ड्रॉप कर जाते थे। इस साल इस टीम को देख के कभी नहीं लगा, इवन 90th मिनट मैं बोल रहा था अपने आप को गोल आएगा, गोल आएगा, एब्सोल्युटली गोल विल कम, गोल विल कम, और वही हुआ। दो गोल तो मैंने भी नहीं सोचा भाई, मैंने सोचा था कि इक्वलाइजर आएगा भाई। मैं एक बात बोलू, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सोचा था कि एक गोल होगा और एक पेनल्टी मिलेगा भाई। भाई तुम ज्योतिष बन सकते हो इफ यू भाई, ज्योतिन ग्रेट भाई, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वी वर एक्सपेक्टिंग वन गोल बट डिडंट थिंक देयर विल बी टू गोल, दिस गुड रिजल्ट। एब्सोल्युटली यही मैचेस लीग पे डिसाइड करते हैं टीम को भाई। थैंक यू जतिन भाई, थैंक यू जतिन भाई। नेस्टर को नहीं था वो, व्हाई इज नेस्टर नॉट प्लेइंग? मे बी देयर इज एन इंजरी, मे बी कोच को लगा कि आज टैक्टिक्स चेंज करेगा, मे बी कोच को लगा कि भाई जमशेदपुर के ईस्टर्न मेलो ज्यादा चलेगा, क्योंकि देखो भाई रिजर्व बेंच में ज्यादा देख नहीं पाया। रिजर्व बेंच में अगर नेस्टर एलबीएच होता तो उसको जरूर उतारते, मे बी ही वॉज इंजर्ड, और मे बी उनको आज कोच को लगा कि मे बी ईप्सन मेलो विल बी अ बेटर फिट, और भाई बंदे ने गोल भी किया। और सिर्फ गोल को आप अगर मत देखो, जमशेदपुर के अगर आप ईप्सन के पूरे स्टैट्स को देखो, यू विल सी 71% पासिंग एक्यूरेसी, 100% शॉट एक्यूरेसी उसका देखो भाई। मोर देन दैट आज वो नेस्टर एलबीएच की तरह नीचे आकर टैकल्स भी कर रहा था, 100% टैकल्स जीते आज के, 4 डिफेंसिव एक्शन लिए, ऑल्सो 40% ग्राउंड डुएल्स जीते, जो एक स्ट्राइकर के लिए बहुत अच्छा स्टैट है। सो ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ पोचर, ही डिड हिज एब्सोल्यूट बेस्ट देयर एज वेल। यस भाई रिंटू ओझा, मैं ठीक है भाई कल तो बोलूंगा, आज भी थोड़ा जमशेदपुर के बारे में बोल लूं। जमशेदपुर प्लेड गुड फुटबॉल टुडे, डिफेंसिवली दे वर स्ट्रॉन्ग भाई, लास्ट 9 मिनट्स में जो हुआ अच्छे अच्छे टीम के साथ होता है। एथलेटिको मैड्रिड की टीम ने भी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट गोल कंसीड किया, एंड एथलेटिको वर वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव साइड हो जाता है, बट टेक अ लॉट ऑफ पॉजिटिव। एलसिनियो इज लुकिंग लाइक अ ट्रू किंग, मोर देन दैट टीम्स के अंदर निखिल बाड़ला अ टैलेंट टू वेस्ट आउट फॉर, टैलेंट को देखो, और भाई नाउरेम को ज्यादा खिलाओ। 56 मिनट में उनको सब्स्टिट्यूट करना वाज अ रॉन्ग डिसीजन भाई, उसके बाद वो इंडिविजुअल क्वालिटी है। डेनियल चिमाचुकु गेटिंग बेटर डे बाय डे, आज इंजरी था सीओ अमरी को, ही गॉट अ चांस, ही स्कोर्ड अ गोल, यस अल्बर्ट इट वाज अ पेनल्टी, बट अगेन प्रतीक चौधरी ट्राइड टू डू हिज बेस्ट, गलती हुआ, बट अगेन आई विल गिव हिम बेनिफिट ऑफ द डाउट। टीपी रहनेश बैड डे, रही तचिकावा लॉ ऑफ एवरेज, टीम का आज कुछ कुछ चीजें चली, और सेकेंड हाफ में टीम बहुत डिफेंसिव हो गई थी, एंड यू गाइस वर अलाउइंग अ लॉट ऑफ फ्री बॉल्स इनसाइड द बॉक्स, इट्स अ रॉन्ग भाई। जमशेदपुर को जितनी तारीफ करूं, बट जमशेदपुर यू गाइस अलाउड दिस स्कोर, यू गाइस अलाउड नॉर्थ ईस्ट टू कम इनटू योर होम एंड स्कोर द गोल्स। इसको देखना पड़ेगा, एक गोल करने के बाद यू कांट बी इन अ शेल, आपको अटैक्स करने पड़ेंगे। सेकेंड हाफ में देयर वर नो नोटेबल अटैक्स फ्रॉम जमशेदपुर एट ऑल, सो ये एक प्रॉब्लम थी जमशेदपुर की एब्सोल्युटली विदाउट अ डाउट। राइट नेस्टर वाज नॉट वेल, शंकोली ने बोल दिया, सो दिस इज द वन थिंग भाई। नेस्टर तो मेरा भाई निकला, मुझे भी फीवर आया है, नेस्टर को भी फीवर आया, सेम पिंच भाई। भाई क्या मैच था यार, जेन्युइनली जेन्युइनली अच्छा मैच था भाई। ही शुड प्लेइंग 4-4-2 फॉर्मेशन रादर देन टुडेस 4-3-3। देखो कोच भी अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोच भी चेंज करेगा सिस्टम को, डोंट वरी, कोच वॉज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम लोग भूल जाते हैं इस चीज को कि कोच भी एक्सपेरिमेंट करता है टीम के साथ, कोच को भी पता लगता है, कोच आज एक नया फॉर्मेशन ट्राई किया, नेक्स्ट दिन अगर आप किसी नए फॉर्मेशन को देख पाओगे। बट ऑल ओवर गाइज एक रिक्वेस्ट करूँ, आई विल जेन्युइनली रिक्वेस्ट दिस, आज का वीडियो खत्म करने से पहले गाइज, आप लोग बहुत सारे लोग हो जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हो, थैंक यू कैप्टन्स फॉर बींग, और जो लोग नहीं कर रहे हो गाइज प्लीज कर दो, बिकॉज यू नो वी आर नॉट अ बिग चैनल, वी मेक वीडियोज फॉर इंडियन फुटबॉल। एक ही चीज रिक्वेस्ट है, चैनल के सब्सक्राइब कर दो, अगर आप लोग लाइव देख रहे हो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको अच्छा लगता है चैनल, help them to spread in more northeast and more jamshedpur fans, northeast ke fans specially, aap log jante ho how many videos I try to do on northeast and as well as jamshedpur, main koshish karta hu to make most of the videos even if I try to do it bhai, so guys ek hi request hai, channel ko subscribe karne ke liye apne doston ko bolo, khud kar lo, ye coach ka tactics hai, reserve players khilaya kyunki opponent ke coach aur player unke khilaf tactics karega jo pehle raha tha, reserve players use kiya aur jamshedpur failed। और मोर देन दैट मुझे लगता है कि कोच बहुत अभी भी एक्सपेरिमेंटेशन के स्टेज में है, ही विल ट्राई टू डू मोर थिंग्स। मैं नाइटमेयर्स नहीं बोलूंगा, जमशेदपुर के लिए आज भी एक लर्निंग कर्व था, क्योंकि जमशेदपुर की टीम को अगर देखो, इस टीम के ऊपर बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहां पे वो डेवलप कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, सो ये एक बहुत बड़ा बात है। सो आई एम नॉट मच वरीड अबाउट जमशेदपुर, आज उनके लिए एक लर्निंग कर्व था, दे विल लर्न मच मोर थिंग्स फॉर दैट।
वेटिंग फॉर 10K ब्रो, थैंक यू ब्रो, थैंक यू थैंक यू, टू नाइट स्लीप विल बी वेरी गुड। अगर मैं देखो भाई, मैं तो मेरा तो नॉर्थ ईस्ट सेकंड फेवरेट टीम है, आप समझ सकते हो कि भाई एक बंदा बुखार लेके आके वीडियो कर रहा है, सो कितना खुश होगा ये वीडियो कर रहा है। सो दिस इज द रीजन आई एम मेकिंग, आई एम सो हैप्पी, आई वांटेड टू शेयर माय हैप्पीनेस विद यू गाइस एज वेल। सो भाई एनएफसी मैनेज को ये गलती नहीं करना चाहिए, मिशेल जबाको को, भाई मिशेल जबाको कोई रिलीज नहीं करेगा भाई। जब जुआन पेड्रो बन लिया था, मैं पहले ही बोल दिया था, मंदार तमाने कभी कोच को सैक नहीं करता जल्दी। एशली वेस्टवुड भी उसका ही चॉइस था, जुआन पेड्रो बनाली भी उसका ही चॉइस है। ट्रस्ट मंदार तमाने, ट्रस्ट द न्यू मैनेजमेंट, ट्रस्ट द प्लेयर्स, ट्रस्ट द कोच, ट्रस्ट द यंग प्लेयर्स। नॉर्थ ईस्ट के ट्रायल्स होने वाले हैं, यंग प्लेयर्स प्रोड्यूस करेंगे, जस्ट वेट फॉर द गुड टाइम्स, गुड टाइम्स आर कमिंग। मंदार तमाने आने के बाद ही मैंने बोला था अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम। वो बंदा अलग ही बंदा है, वो बंदा बेंगलुरु एफसी को, वो जब बेंगलुरु एफसी फॉर्म भी नहीं हुआ था तब से है, बेंगलुरु एफसी को बेंगलुरु एफसी बनाया, नॉर्थ ईस्ट को भी नॉर्थ ईस्ट बना देगा भाई। एक ही काम करो, जस्ट ट्रस्ट हिम, जस्ट ट्रस्ट हिम भाई। भाई मैच देखा कौन सा अच्छा खेले एनएफसी जमशेदपुर, अगर पहला हाफ बोलू जमशेदपुर में तो बेटर हाफ, बट सेकेंड हाफ में भाई धो दिया नॉर्थ ईस्ट ने। एंड टैक्टिकली इसमें मैं थोड़ा सा दोस्त स्कॉट कूपर को उम्मीद होगा, ही बिकेम अलॉट मोर डिफेंसिव भाई। सो भाई ब्रो हैट्स ऑफ फॉर डेडिकेशन भाई, हैट्स ऑफ टू यू गाइस फॉर कमिंग इन आवर शो इन सच लार्ज नंबर्स, थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन भाई। आज के लिए इतना ही, एंड जमशेदपुर फैंस आई विल कम टुमारो, अलग थोड़ा अलग वीडियो होगा, बट इन द क्वेश्चन आंसर सेक्शन आई विल टॉक टू यू अबाउट जमशेदपुर। सो गाइज अंटिल देन इज गुड बाय फ्रॉम अमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, एक चीज कर लेना, कैप्टन हो आप लोग, टीम को आगे बढ़ा के ले जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो अंटिल देन इज गुड बाय फ्रॉम अमेंट, टाटा।